शिक्षा विभाग हरियाणा में इन दिनों ट्रांसफर ड्राइव के माध्यम से किए जा रहे तबादले विवाद का विषय बनते जा रहे हैं। रैशनलाइजेशन के तहत अध्यापकों को तबादला करने के बाद स्कूलों में आने वाले अध्यापकों की संख्या कम होने के चलते ग्रामीण व स्कूली बच्चों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। इसी के तहत ग्रामीणों और बच्चों ने मिलकर स्कूलों में विरोध प्रदर्शन कर सभी विषयों के अध्यापकों की नियुक्तियां करने की मांग उठाई। रैशनलाइजेशन नीति के तहत जिला भर से सैकड़ों अध्यापक सार्वजनिक अवकाश लेकर पंचकुला के लिए कूच किया। अध्यापकों की बहुत ही कम संख्या में है। पिछले दो साल पहले मैथ के टीचर की पोस्ट खत्म कर दी, फिर हिंदी के टीचर की कर दी, इंग्लिश वाला था उसको आप भेज रहे हैं। और हमारी शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से यही अपील है कि हमारे गांव के स्कूल में कम से कम सब्जेक्ट के हिसाब से तुम टीचर भेजें ताकि इन गरीब बच्चों की पढ़ाई पूरी हो सके। ठीक है, नाम और बताइए। मेरा नाम रविंद्र कुमार, पूर्व SMC। माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न पदों को खत्म करने के विरोध में ग्रामीणों ने सांकेतिक धरना देकर स्कूल के मुख्य गेट के सामने सरकार के खिलाफ और शिक्षा मंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव के स्कूल में लगभग 400 विद्यार्थी हैं, जिनमें कुल मिलाकर 8 सेक्शन बनते हैं। ग्रामीणों ने अध्यापक न होने के कारण सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है। उनकी मांग है कि रिक्त पदों को भरा जाए। अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है तो वह रोड जाम कर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। 75 बच्चे हैं, जबकि यहाँ प्रिंसिपल भी नहीं है। प्रिंसिपल की पोस्ट कैप्चर कर ली गई है और हमारे यहाँ 4 पोस्टें खत्म कर दी, फिजिक्स की, इकोनॉमिक्स की, मैथ की और हिंदी की। जबकि नौवीं में 51 बच्चे हैं, 2 सेक्शन है। 10वीं में 61 बच्चे हैं, 2 सेक्शन है। कैसे एक अध्यापक से काम चलेगा? तो प्रिंसिपल भी तबादला कर दिया गया। प्रिंसिपल है ही नहीं, लंबे समय से प्रिंसिपल नहीं है और कैप कर दी, कैप कर दी पोस्ट। 2017 में कैप लगा दी थी। गांव वाले स्कूल पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़े। ये सरकार भी चाहती है कि बच्चे पढ़े, लेकिन बगैर मास्टरों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? दड़वा डेयरी कॉम्प्लेक्स के जल्द सुधर सकते हैं हालात। पानी की निकासी न होने को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं डेयरी संचालक। इसी समस्या के समाधान को लेकर आज नगर निगम कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ दड़वा डेयरी कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने निकासी की समस्या पर संचालकों की बात सुनी और अधिकारियों से मौके पर चर्चा कर फिलहाल इस समस्या के स्थायी समाधान का आश्वासन दिया। वहीं संचालकों का कहना है कि वह एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर कर थक चुके हैं, उनके पशु रोज मर रहे हैं। अस्थाई समाधान के साथ साथ जल्द ही इस पूरी समस्या का अस्थाई समाधान किया जाए, नहीं तो हमें मजबूरी में फिर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। बिल्कुल, हमने अभी मौका मुआयना इस चीज का किया है। तो जो दड़वा डेयरी कॉम्प्लेक्स में वहाँ पे जो निकासी का इशू आ रहा है, तो इस चीज का टेम्पररी सोल्यूशन जो वहाँ पे एक टैंक है, एक टू पॉइंट सिस्टम है, वहाँ पे भी इशू आ गया। और आगे जो पाइप टूट गई है, जिसकी वजह से इस लाइन में आप देख सकते हैं कि ब्लॉकेज हो गई है। तो हमारा पहला इशू ये आ रहा है कि हमें आइडेंटिफाई कर पाएँ, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी लाइन डली हुई है, 30 साल पुरानी, कि ये लाइन है कहाँ पे, उसका ओरिएंटेशन क्या है। तो जैसे कि ये रोड पता लगा कि ये रोड भी चौड़ी की गई है, इसको भी ना बनाया गया था, तो शायद वो थोड़ा रोड के नीचे चले गई है। तो अब हमें वो ढूंढवानी पड़ेगी ताकि जो पानी की निकासी ढंग से हो पाए। तो इसमें भी हम कंसर्न PWD से परमिशन लेके इस चीज़ को थोड़ा खोदेंगे किसी किसी पॉइंट पे, तो उसमें से थोड़ी सी इनकन्वीनियंस शायद थोड़ा सा करना पड़े, बट इट इज़ फॉर द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ताकि यहाँ से पानी निकले। रतिया में लंपी वायरस पशुपालन विभाग की हरकत में आए हैं। दुधारू पशुओं में चल रही इस बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। फतेहाबाद जिले को वैक्सीन की करीब 22,000 डोज मिली हैं। रतिया उपमंडल में 7,000 से भी ज्यादा वैक्सीन की डोज पशुओं को दी जा चुकी है। गौशालाओं में आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं। इस बीमारी से आशंकित पशुओं को रखा जा रहा है और उनका उपचार किया जा रहा है। जिला उपायुक्त प्रदीप कुमार ने फतेहाबाद में पशु मंडी बंद करवा दी है और जिले में 144 धारा लागू करवा दी गई है। एक जिले से दूसरे जिले तक पशुओं को लाने और ले जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके लिए सबसे पहले तो हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि कौन कौन से एनिमल जो है बीमार है, अफेक्टेड है। आइडेंटिफिकेशन के बाद उनको सेग्रीगेट कर रहे हैं और सेग्रीगेशन के बाद जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया है कि जो बीमार है उनको तो सिम्टोमेटिक दवाई देते हैं, जो बीमार अभी तक नहीं हुए हैं उनको अलग करके उनको भी जो है वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि वो प्रिवेंट हो सके इस बीमारी से। सर, इसको लेकर जिले में धारा 140 भी लागू की गई है।
रोहतक के सांपला में गन पॉइंट पर हुई लूट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस मामले में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों पर पहले भी हत्या के प्रयास व लूटपाट जैसे मामले दर्ज हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि और भी मामलों का खुलासा हो सके। 18 अगस्त को मनी ट्रांसफर की दुकान से घर लौट रहे बरौना गाँव के एक युवक से गन पॉइंट पर 2.5 लाख रूपये की लूट हुई थी। 18 तारीख को तो उसमें ये हुआ था कि संजय नाम का आदमी, जिसका मनी ट्रांसफ़र जो हमारा कंप्लेनेंट है, विक्टिम है, वो उसका मनी ट्रांसफ़र का दुकान है हसनगढ़ में सांपला, तो वो बाइक से घर की तरफ जा रहा था। तो उसके साथ कुछ लड़कों ने छीना झपटी की और उससे स्नैचिंग कर ली और हवाई फायरिंग भी हुई थी उसका। तो उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सांपला थाना पुलिस और तीनों CIA हमारी, स्पेशली CIA 2 और साइबर सेल, उसी समय जुट गई। और अभी हमने सक्सेसफुली 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है इसमें, जिसके डिटेल्स हम आपको बताते हैं सबसे। और इन 5ों पे पहले भी मुकदमे हैं, 307 IPC 307 के मुकदमे हैं सदर सोनीपत थाने में, तो ये पहले से भी फरार हैं उस मुकदमे में भी। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।